हेलो एवरीवन, जब भी हम इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं हम एक चीज जरूर सुनते हैं, SIP। आखिरकार ये SIP है क्या? हाउ डज इट वर्क एंड हाउ कैन SIPs बी बेनिफिशियल फॉर यू? टू नो मोर अबाउट दिस कंटिन्यू इन दिस वीडियो। SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एक वे ऑफ इन्वेस्टिंग होता है जो काफी चीजें करता है। SIP एक बेसिकली पीरियोडिकल इन्वेस्टमेंट होता है। आप मंथली कर सकते हैं, वीकली कर सकते हैं, एनुअली भी कर सकते हैं। इनके बेनिफिट्स देखते हैं। नंबर वन, इट मेक्स इन्वेस्टिंग सिंपल एंड अफोर्डेबल। इन SIP आप कम से कम ₹100 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द मिनिमम SIP इन्वेस्टमेंट अमाउंट ऑफ दैट पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड। नंबर टू, इट हेल्प्स इन अवॉइडिंग इन्वेस्टिंग मिस्टेक्स। इतने सारे फंड्स होने पे आप एक परफेक्टली डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना सकते हैं विद टू और मोर फंड्स टू हेल्प यू अवॉइड इन्वेस्टिंग मिस्टेक्स। नंबर थ्री, इट बिल्ड्स अ हैबिट ऑफ डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग। अब जैसे हम पीरियोडिकल SIP सेट कर देते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल आप महीने महीने का SIP सेट कर रहे हैं, तो अगले महीने अपने आप ही अनलेस एंड अंटिल यू कैंसिल द SIP इन्वेस्टमेंट, वो इन्वेस्टमेंट जाता रहेगा। नंबर फोर, इट मेक्स मार्केट वोलेटिलिटी वर्क इन एन इन्वेस्टर्स फेवर। SIP दोनों अप मार्केट और डाउन मार्केट मूवमेंट्स को कैप्चर करता है। इसके बारे में और डिटेल में हम आगे देखेंगे। नंबर फाइव, इट हैज हिस्टोरिकली बीटन इन्फ्लेशन बाय अ वाइड मार्जिन। जब आपके पास एक परफेक्टली डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होता है तब आप इजिली 10-12% रिटर्न्स जनरेट कर सकते हैं, जो इन्फ्लेशन को आराम से बीट कर सकता है। नंबर सिक्स, इफेक्टिव वे टू पार्टिसिपेट इन इंडियाज ग्रोथ स्टोरी। एज यू ऑल नो, इंडिया एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, तो इसके ग्रोथ के साथ साथ जैसे मार्केट भी ग्रो होता है, तब SIP में इन्वेस्ट करने से आपके इन्वेस्टमेंट्स भी ग्रो करेंगे। As Gautam Buddha rightly said, if you're facing in the right direction, all you need to do is keep on walking. So आइए, यहाँ पे हमने दिखाया है इस स्लाइड में कि वेल्थ कितना जनरेट हुआ है when you have invested through SIPs in diversified equity mutual funds since Jan 2001. अभी diversified equity mutual funds में कौन कौन से categories आते हैं? Large cap, large and mid cap, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, वैल्यू फंड्स और कॉन्ट्रा फंड्स। सो ये सारी कैटेगरीज आती है डाइवर्सिफाइड इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। नाउ यहाँ पे देखिए, इन्वेस्टमेंट यहाँ किया गया है जैन 2001 में। सो इफ यू कैन सी, ये पूरी ग्रोथ आई है अप टू डिसम्बर 2022। यानी यहाँ पे जितना हमने इन्वेस्ट किया है दैट हैज बीटन डिपॉजिट्स बाय 200%। सो दीज आर बेसिकली डाइवर्सिफाइड, जहाँ पे यू डोंट हैव अ पर्टिकुलर मार्केट कैप कॉन्सेंट्रेशन, यानी स्मॉल कैप में कॉन्सेंट्रेशन नहीं होता, लार्ज मिड ऐसे कोई पर्टिकुलर कहीं पे भी कॉन्सेंट्रेशन नहीं होता। सो डाइवर्सिफाइड इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करके भी आपका इन्वेस्टमेंट ग्रोथ हुआ है वैल्यू यहाँ पे 43। सो इफ यू सी, वी हैव अ हैप्पी कस्टमर हियर। इन्होंने अपना SIP स्टार्ट किया था 2005 में। इनका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट आया है अराउंड 1.89 लाख। इस पे विथ 15.9% एनुअलाइज्ड रिटर्न्स इन्होंने गेन्स किए हैं ऑलमोस्ट 4.59 लाख। आइए देखते हैं इन्होंने कौन सा फंड चूज किया है। सो एज यू कैन सी, इन्होंने HDFC म्यूचुअल फंड में ELSS की कैटेगरी में इन्वेस्ट किया है। So if you can see the total market value that is here, it is around 6.49 lakhs. This shows that with 15.9% you can easily beat inflation and get very good returns on your SIP investment. Now, why does SIP work? हमने सुना तो है काफी कि SIP के काफी benefits है, right? But काम कैसा करता है? Number one, like we have discussed पहले, it is affordable, right? So you can start as low as ₹100 in a particular fund, but that depends on the fund itself, unka minimum investment amount kya hota hai. So you can start as low as ₹100. Then second, discipline. SIP investment karne se aapke andar ek investment discipline aa jata hai. So no matter what, unless and until you stop the SIP yourself, आपके अकाउंट से हर महीना जैसे आप पीरियोडिकली सेट करते हैं वैसे SIP इन्वेस्टमेंट्स जाती रहेंगी। नंबर थ्री, इट इज कन्वीनियंट। नाउ हाउ इज इट कन्वीनियंट? इट इज कन्वीनियंट क्योंकि आपको
खुद से हर महीना इन्वेस्ट नहीं करना है, सामने से आप एक बार अगर ऑटो डेबिट सेट कर देते हैं तो हर महीने जिस डेट पे आपने SIP सेट की है उसी डेट पे आपके बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिकली वो अमाउंट आपके इन्वेस्टमेंट फंड में चला जाएगा। नंबर 4, इट इज फ्लेक्सिबल। हाउ SIPs आर फ्लेक्सिबल? यू हैव द चॉइस। बेसिकली आपके पास चॉइस होता है टेन्योर सेट करने के लिए, स्टार्ट, स्टॉप और रुपी कॉस्ट एवरेजिंग बाय एट ऑल लेवल्स। दिस इज द मेन एडवांटेज ऑफ इन्वेस्टिंग थ्रू SIPs। यू रिमेंबर हमने स्टार्टिंग में देखा था हाउ इन्वेस्टिंग इन SIPs मेक वोलेटिलिटी वर्क इन द इन्वेस्टर्स फेवर। वेल, दिस इज हाउ। यू नो राइट हाउ इक्विटीज बिहेव? तो बेसिकली इक्विटी मार्केट्स साइकिल्स में जाती हैं। कभी मार्केट्स बढ़ती हैं, फिर एक करेक्शन देखती हैं, फिर वापस बढ़ती हैं। दैट इज हाउ इक्विटीज वर्क। इक्विटी मार्केट में हाईएस्ट वोलेटिलिटी होती है। तो फॉर एग्जाम्पल, दिस इज इक्विटी मार्केट्स का ग्राफ। यहाँ पे इक्विटी बढ़ेंगी गिरेंगी, बढ़ती है गिरती है। सो इन द लॉन्ग टर्म दिस इज द एवरेज। हाउ वी कैन अचीव दिस विथ कंसिस्टेंसी? लेट्स सी। वेल, दिस इज हाउ SIPs आर एन एडवांटेज टू यू व्हेन इन्वेस्टिंग इन सच वोलेटाइल मार्केट्स। तो बेसिकली आपकी मंथली SIPs जैसे जाती हैं, सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपने SIP की है, फिर बढ़ते बढ़ते यहाँ पे SIP की है, फिर जैसे ही मार्केट गिर गई फिर यहाँ SIP की है, राइट? सो इससे क्या होता है, जब आपने यहाँ पे SIP की है तब आपको मोर यूनिट्स, यानी आपको फंड के एडिशनल यूनिट्स आते हैं एट अ लो प्राइस। व्हेन यू डू एन SIP हियर, राइट, व्हेन योर मंथली इंस्टॉलमेंट गोज हियर, दिस यू अक्वायर यूनिट्स एट अ स्लाइटली हायर प्राइस, बट एट द सेम टाइम द यूनिट्स दैट यू अक्वायर्ड हैव रीच्ड दिस प्राइस, सो यू आर स्टिल फेसिंग अ गेन, राइट? योर पोर्टफोलियो स्टिल हैज अ गेन। नाउ व्हेन द मार्केट्स हैव अगेन करेक्टेड एंड योर SIP गोज एट दिस पॉइंट, so here again what happens is you acquire more units at a lower price, thereby averaging out your entire portfolio, correct? So that's how when you in the long run when you continue your SIP investments, your average comes here, right? So this is rupee cost averaging. So let me put it in short, when the markets rise and your SIP goes at that point of time, you get units at a higher price, so you'll get lesser units at a higher price. Wherein, when the markets fall, जैसे ही markets गिरती हैं तभी आपका SIP जब जाता है तब आपको ज़्यादा units मिलते हैं but कम price पे। So this is basically, तो आइए देखते हैं how you can make the most out of your SIPs. Number 1, invest long term. हमेशा यही मानना है कि जितना आप लंबा अपना investment horizon रखेंगे उतना ही ज़्यादा benefits आपको मिलेगा आपके investments पे, because this is where you get the benefit from the power of compounding, right? तो यहाँ आप ग्राफ में ही देख सकते हैं, जैसे फर्स्ट ईयर हमने जैसे ही इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया है यू डोंट सी मच ग्रोथ, राइट? बट इन द थर्ड ईयर व्हेन यू इन्वेस्ट अगेन यू डोंट सी अ ग्रेट ग्रोथ, दैट द सेम कंटिन्यूज अप टू 5 years. बट वंस योर इन्वेस्टमेंट्स क्रॉस द 7 year मार्क, राइट, 7 to 8 years मार्क, दैट्स वेन यू स्लोली स्टार्ट सीइंग अ ग्रोथ इन योर इन्वेस्टमेंट्स। सो इफ यू सी हियर इन द 10th year, राइट, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आपने इन्वेस्ट किया है 1.2 lakhs, आपका गेन्स, नॉट द टोटल अमाउंट, आपका गेन्स है 2.2 lakhs, सो दैट मीन्स यू आर ईजिली गेटिंग अ टोटल कॉर्पस ऑफ 3.4 lakhs हियर इन द 10th year इटसेल्फ। सो इन्वेस्ट इतना कर रहे हैं, ऑलमोस्ट डबल गेन्स आपको मिल रहे हैं। अगेन व्हेन यू कंटिन्यू, आप अपना इन्वेस्टमेंट होराइजन कंटिन्यू करते जा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि सिर्फ 1.8 लाख इन्वेस्टमेंट इन 15 इयर्स यू आर गेटिंग अ गेन ऑफ ऑलमोस्ट 4.8 लाख। द मोर यू कंटिन्यू द लॉन्गर द इन्वेस्टमेंट होराइजन, इन 20 इयर्स आपके 20 इयर्स के इन्वेस्टमेंट में 2.4 लाख के इन्वेस्टमेंट में आपको गेन्स मिल रहे हैं 9.2 लाख। तो यहाँ देखिए 25 इयर्स में आप सिर्फ इन्वेस्ट कर रहे हैं 3 लाख, बट यू कैन सी, एज यू कैन सी हियर, 17 लाख के सिर्फ गेन, ओनली गेन्स, नॉट द टोटल कॉर्पस, 17 लाख के गेन्स आ रहे हैं। सो दिस इज हाउ यू बेनिफिट फ्रॉम द पावर ऑफ कंपाउंडिंग इन अ लॉन्ग टर्म। नंबर 2, स्टार्ट अर्ली। Here you can see that the later you start, the steeper is the climb. यहाँ पे हमने goal amount लिया है 1 crore rupees. अब इस goal amount को पहुँचने के लिए
30 इयर्स का जो इन्वेस्टमेंट होराइजन है उसके लिए SIP अमाउंट सबसे कम है, वेराज यहाँ पे 5 साल के इन्वेस्टमेंट होराइजन के लिए SIP अमाउंट सबसे ज्यादा है। सो आप देख सकते हैं कि स्टार्टिंग अर्ली से आपको क्या बेनिफिट मिलता है कि यू कैन स्टार्ट विद अ वेरी स्मॉल अमाउंट टू रीच द नंबर 3। नेवर नेवर स्टॉप योर SIP नो मैटर हाउ द मार्केट इज। सो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया है कोविड जो पैंडेमिक हुआ था उसी का एग्जाम्पल लिया है क्योंकि तभी हमने देखा है वन ऑफ द शार्पेस्ट मार्केट फॉल्स। सो वी हैव टेकन 3 इन्वेस्टर्स हियर, आलिया, कटरीना एंड विद्या। सो इन सब ने अपना SIP स्टार्ट किया था जैन 2020 जस्ट बिफोर कोविड। सो व्हाट हैपेंड, आलिया पैनिक्ड, जैसे ही मार्केट क्रैश हुआ आलिया ने पैनिक किया एंड शी रिडीम्ड ऑल हर इन्वेस्टमेंट्स, जितना इन्वेस्टमेंट था उसको सारा लॉस में रिडीम कर लिया। बट कटरीना, नाउ कटरीना ने कैसे रिएक्ट किया फॉर दिस मार्केट क्रैश, शी स्टॉप्ड द SIP बट स्टेड इन्वेस्टेड। विद्या, नाउ विद्या कंटिन्यूड हर SIP, शी डिड नॉट पैनिक, शी कंटिन्यूड हर SIP। नाउ लेट्स सी व्हाट आर द रिटर्न्स। नाउ ऑन डिसम्बर 2020 ड्यूरिंग द मार्केट क्रैश आलिया सॉ अ -12% रिटर्न। दैट मीन्स उसके रिटर्न्स, उसके इन्वेस्टमेंट्स 12% के लॉस पे उन्होंने रिडीम करके मिला है। नाउ कटरीना सॉ अ 20% रिटर्न्स। नाउ व्हाट दिस मीन्स इज शी स्टेड इन्वेस्टेड, सो हर ओवरऑल पोर्टफोलियो इवन आफ्टर द मार्केट क्रैश इट स्टेड इन्वेस्टेड एंड शी सॉ अ 20% रिटर्न। नाउ विद्या, बिकॉज द मार्केट क्रैश राइट, सो उसके वजह से शी गॉट द एडवांटेज ऑफ एवरेजिंग, बेसिकली रूपी कॉस्ट एवरेजिंग। सो उसके वजह से शी सॉ अ 51% रिटर्न ऑन हर एंटायर पोर्टफोलियो राइट। सो दिस इज एन एग्जाम्पल दैट नो मैटर वॉट, मार्केट क्रैश हो इट इज अ बेनिफिट टू यू बिकॉज वेन द मार्केट्स क्रैश लाइक वी मैंशनड बिफोर यू हैव एन एडवांटेज वेर इन यू गेट एडिशनल यूनिट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर फंड एट अ लोअर यूनिट प्राइस, लोअर एनी। नंबर 4, स्टेप अप योर SIPs, दिस कुड हेल्प यू एक्सेलरेट योर कंपाउंडिंग। सो हम आइडियली मानते हैं कि 10% स्टेप अप रेट इज अ गुड रेट सो दैट यू कैन एक्यूमुलेट ऑलमोस्ट मोर देन 100% इन 25 ईयर्स। सो लेट्स सी, हियर यू हैव इन्वेस्टेड 3 लाख एंड यू हैव रिसीव्ड 4 लाख। सो दिस इज फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, नाउ दिस इज फॉर द पीरियड ऑफ 15 ईयर्स एंड दिस इज फॉर द पीरियड ऑफ 25 ईयर्स। नाउ वेन 5 ईयर्स में विदाउट स्टेप अप यू आर एबल टू जनरेट अराउंड 4 लाख का गेन। नाउ विद अ 10% स्टेप अप you're investing only 3.6 lakhs, right? So here the difference amount is just 60,000, but you're able to generate almost 5 lakh gains. Now, for the period of 25 years. So if you see here, without a step up, you invest around 15 lakhs and then you're able to generate a gain of 94 lakhs, which is 5.3 times. Now, what happens is with a step up itself, right? So here you're stepping up by again 10%. So you invest just 19 lakhs. There is not a huge difference for the period of 25 years. Itna zyada difference to hai nahi. So for the period of, for the investment of 19 lakhs, you're able to generate a 2 crore gain. So that is almost double se bhi zyada. Number 5, make it matter. Does your asset allocation matter? 100% yes. तो यहाँ पे हम मानते हैं कि एक higher allocation to equities is essential for better long-term returns. यानी एक पहला थंब रूल होता है जैसे आप अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज एसेट एलोकेशन इज द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ। सो लेट्स सी हियर विद एन एग्जांपल। सो वी हैव एलोकेशन, वी हैव गिवन एन एलोकेशन ऑफ ₹1 lakh एंड वी हैव डिवाइडेड इनटू 3 सिनेरियोज, वेर इन द फर्स्ट सिनेरियो वी हैव 25% इक्विटी एलोकेशन, द सेकेंड सिनेरियो हैज 50% इक्विटी एलोकेशन एंड थर्ड सिनेरियो में हमने 75% इक्विटी एलोकेशन दिया है। अब यहाँ पे यू कैन सी दैट विद 25% इक्विटी एलोकेशन एंड 75% फिक्स डिपॉजिट में एलोकेशन राइट, यानी 25,000 इक्विटी में 75,000 फिक्स डिपॉजिट में, यू आर एबल टू जनरेट 1.47 लाख 5 साल में एंड यू आर एबल टू जनरेट 15.43 लाख 30 इयर्स में। नाउ इफ यू सी द लास्ट सिनेरियो दैट इज 75% इन इक्विटी और 25% इन फिक्स डिपॉजिट्स, भले शॉर्ट टर्म में यू विल नॉट सी मच डिफरेंस बट व्हाट हैपेंस इज इन द लॉन्ग टर्म, सो यू कैन सी दिस डिफरेंस राइट, इट इज ह्यूज। सो इन द लॉन्ग टर्म यू आर एबल टू जनरेट 26.77 लाख। सो दैट इज अ ह्यूज थिंग वेर इन यू नो द डिफरेंस इज ऑलमोस्ट मोर देन 10 लाख। SIP एक सही चॉइस है
फॉर यू एंड एवरीवन, आज के लिए और कल के लिए. गो अहेड, गेट अ SIP फॉर यू, योर फैमिली. सो इफ यू हैव वन ऑलरेडी, डोंट फॉरगेट टू स्टेप इट अप और टॉप इट अप इफ यू हैव इन्वेस्टेड थ्रू SIP. कंग्रेचुलेशंस, यू आर गुड टू गो. नीड मोर मोटिवेशन? SIP eliminates all your investing excuses. हम हमेशा इन्वेस्टर्स से सुनते आ रहे हैं कि उन्हें टाइम नहीं मिलता. डोंट वरी, आपको सिर्फ SIP डेट और SIP अमाउंट सेट करना है. उसके बाद से अपने आप हर महीने SIP आपके अकाउंट से ही डायरेक्टली डिडक्ट हो जाएगा. वेयर एंड हाउ डू आई सेव? इन्वेस्टर्स समटाइम्स डोंट हैव द टाइम टू एनालाइज एनी फंड और एनी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन इन डेप्थ. नो प्रॉब्लम इफ़ यू आर कन्फ्यूज टू मच और इफ़ यू डोंट नो अ लॉट अबाउट इक्विटी और यू डोंट नो अ लॉट अबाउट योर ओन रिस्क एपेटाइट. जस्ट चूज अ फ्यू फंड्स, इंश्योर दैट योर एंटायर पोर्टफोलियो इज प्रॉपरली डाइवर्सिफाइड. दैट्स इट. आई नीड समबडी टू रिमाइंड मी ऑफ सेविंग्स. इसकी ज़रूरत है ही नहीं. आप एक बार ऑटो डेबिट सेट कर दें SIP के लिए, हर महीना अपने आप ही SIP डिडक्ट हो जाएगा. एज वॉरेन बफेट राइटली सेड, वी डोंट हैव टू बी स्मार्टर दैन द रेस्ट, वी हैव टू बी मोर डिसिप्लिन दैन द रेस्ट. डोंट एक्सपेक्ट मोर देन 12-18% फ्रॉम इक्विटी मार्केट्स. दिस इज नॉट द महालक्ष्मी रेस कोर्स. If you invest in SIP, I'm confident that you will get good returns over 8, 10, 15 years. By Rakesh Jhunjhunwala. And finally, this is what we have been waiting for. Yani, kab invest karna chahiye, kaise invest karna chahiye, bear market ya bull market mein? Koi fikar nahi, bear market ho ya bull market ho, SIP will always rule. Because bear markets ke time, jab markets crash hote hai ya markets correct hote hai, तभी आपके SIP विल गैदर मोर यूनिट्स. तो अब जैसे आपका इन्वेस्टमेंट करते हैं आपके SIP के लिए, आपको करेक्टेड प्राइस में लोअर NAV पे ज़्यादा यूनिट्स मिलेंगे. एट द सेम टाइम बुल मार्केट्स में जैसे मार्केट्स ऊपर जाती हैं, वो प्रीवियस बेयर मार्केट में आपने जब इन्वेस्ट किया था वो इन्वेस्टमेंट कंपाउंड होता दिखेगा आपको इन हिटिंग योर टारगेट्स. सो यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन से टारगेट अमाउंट के लिए कितने सालों में आपको क्या SIP अमाउंट रिक्वायर्ड है. यहाँ पे हमने 12% रिटर्न्स लिया है, बट दिस इज जस्ट फॉर रिप्रेजेंटेशन पर्पस, राइट? सो लेट्स सी. फॉर एग्जांपल, आपको 10 लाख चाहिए टारगेट है, आपका 10 लाख टारगेट है. सो फॉर वन ईयर SIP यू विल नीड अराउंड 78,000. एट द सेम टाइम ओवर अ पीरियड ऑफ 30 ईयर्स, यानी 30 ईयर्स का आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन है, तो यू विल ओनली हैव टू स्टार्ट विद द 325 रुपीज का SIP अमाउंट. एट द सेम टाइम वेन यू हैव टू सी 1 crore, सो 1 crore इज यूजली अ नॉर्मल टारगेट, राइट? सो 1 crore अगर आपको चाहिए तो एक साल में दिस इज टू हाई, बट लाइक वी मैंशन, लॉन्गर इन्वेस्टमेंट होराइजन विल हेल्प यू हिट द टारगेट्स ईजियर, राइट? द स्लोप, जैसे हमने बताया था, स्लोप स्टीप होता है विथ शॉर्टर इन्वेस्टमेंट होराइजन्स. तो 1 crore के लिए 7.8 lakhs है SIP, मंथली SIP अमाउंट फॉर अ पीरियड ऑफ 1 year. एट द सेम टाइम 1 crore के लिए 30 ईयर्स का जब आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन हो, तो आपका SIP अमाउंट विल बी 3,200 रुपीज. एट द सेम टाइम फॉर 10 crores, so for 10 crores I think we should ignore the first year itself. So for 10 crores over the period of 30 years, or let's even take 25 years, so for the period of 25 years it is around 58,000 rupees. But when you increase your investment horizon even just by 5 years, right? So you can see there is a massive difference between both the SIP amounts. So yahan pe aapko sirf around 32,000 ka SIP karna hai to hit a target of 10 crores at the rate of 12% return over a period of. So yahan pe dekhte hain aap aapka monthly savings ko kaise SIP mein convert karke aap kitna investment ya corpus accumulate kar sakte hain. So with 1,000 rupees SIP, even for the period of 1 year, you can see that you can accumulate around 12,766 rupees. Now again, one point to be noted that we have taken, humne yahan pe liya hai 12% rate of return. This is only for representation purpose, right? So at the same time, 1,000 rupees, agar aap 30 years ke liye invest karte hain SIP, jaise aap monthly SIP 1,000 ka karte hain for the period of 30 years, आप जनरेट कर सकते हैं अराउंड 30 lakhs का कॉर्पस. यहाँ पे वेर एज 25,000 का अगर आप SIP स्टार्ट करते हैं फॉर द पीरियड ऑफ 30 ईयर्स, अगेन यू आर एबल टू जनरेट अ कॉर्पस ऑफ 7.7 crores.
एट द सेम टाइम अगर आप 25 इयर्स के लिए भी इन्वेस्ट करते हैं, आप आसानी से 25,000 के SIP में 4.25 करोड़। सो अब किस चीज का इंतजार है? कॉल योर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर टुडे। लेट्स डू ग्रेट थिंग्स टुगेदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द एंटायर वीडियो। फॉर एनी फर्दर क्वेरीज, क्वेश्चंस और डाउट्स, यू कैन रीच आउट टू अस ऑन आवर व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप।